सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये कहानी हमें हमारे एक फॉरेन व्यूअर ने भेजी है। मैं एक 21 साल का आदमी हूं, पर मेरे साथ कई अजीबोगरीब घटनाएं घट चुकी हैं। जब भी मैं अकेला होता हूं, मैं हमेशा डरा डरा सा रहता हूं। कभी कभी देर रात में मैं सो नहीं पाता उस एक चीज की वजह से जो मेरे साथ बचपन में हुई। ये किस्से शायद सबको अनबिलीवेबल लगेंगे, पर सब कुछ एकदम सच है। सबसे पहली बार ये तब हुआ जब मैं एक छोटा सा बेबी था। मेरी माँ ने मुझे ये कहानी बताई थी। एक बार मैं अपने रूम में सोया हुआ था और मेरी मॉम डिनर बना रही थी। उनके पास वो बेबी मॉनिटर था ताकि अगर मैं उठ जाऊं तो उन्हें तुरंत पता लग जाए। तभी बेबी मॉनिटर पर उन्हें मेरा रोना सुनाई दिया और वो ऊपर भागी, पर मैं आराम से गहरी नींद में सो रहा था। वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। वो वापस किचन में काम करने लगी, लेकिन फिर से उन्हें मेरे रोने की आवाज आने लगी। वो वापस ऊपर आई और मैं अब भी सो रहा था। उन्हें लगा कि शायद बेबी मॉनिटर खराब है, तो उन्होंने बेबी मॉनिटर को बंद कर दिया। उसके बाद वो किचन में वापस डिनर बनाने लगी। कुछ देर बाद उन्हें फिर से बेबी मॉनिटर से मेरे रोने की आवाज आने लगी। अब वो थोड़ा घबरा गई थी। वो ऊपर आई पर मैं अब भी सो रहा था और बेबी मॉनिटर तो ऑफ ही पड़ा था। मेरी माँ बहुत ज्यादा डरने लगी थी और वो मुझे अपने साथ नीचे ले गई। उन्होंने उसके बाद मेरे पापा को फोन किया और सब कुछ बताया और जल्दी घर बुला लिया। उन्होंने मुझे अपने हाथों में पकड़ रखा था कि अचानक फिर से उस बेबी मॉनिटर पर किसी के रोने की आवाज आने लगी, पर इस बार वो आवाज थोड़ी सी अलग थी। वो शुरू हुई किसी बच्चे के रोने की आवाज से और फिर धीरे धीरे वो आवाज भारी होती गई और रोना चिल्लाने में बदल गया। मेरी मॉम ऑलमोस्ट सुन सी पड़ गई थी। वो घर के बाहर भाग आई और बाहर ही मेरे पापा का इंतजार करने लगी, जो कि कुछ देर में वहां पहुंच गए। इस दिन के बाद 3 साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बस शुरुआत थी। जब 2003 में मैं 4 साल का हुआ, तब फिर से मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ जो मेरी माँ ने मुझे बताया। मैं अपनी माँ के साथ लिविंग रूम में खेल रहा था और पापा ऑफिस में लेट तक काम कर रहे थे। हम खुश थे, लेकिन एक बार फिर से वही हुआ। अचानक मुझे काली ड्रेस में एक लंबी सी औरत दिखाई दी। मैं एक्चुअली उसे देख के डरा नहीं और मैंने अपनी मॉम से कहा, ये औरत कौन है? मम्मी ने मुझसे पूछा कि मैं किस औरत की बात कर रहा हूं। मैंने कहा, वही जो उस कॉर्नर में खड़ी है। मम्मी को लगा कि शायद मैं उनके साथ कोई मजाक कर रहा हूं। उन्होंने कहा, शैतानी मत कर, यहां कोई नहीं है। मैं अब हल्का सा डरा और मॉम से कहा कि मॉम, कसम से हमारे घर के लिविंग रूम के कोने में एक औरत खड़ी है। तब मॉम भी थोड़ा घबराई, लेकिन उन्होंने मुझे शो नहीं किया कि वो घबरा रही है। उन्होंने एक कदम पीछे लिया और कहा, देखो कोई नहीं है यहां। लेकिन मुझे वो औरत मेरी मॉम के ठीक पीछे दिख रही थी। मैंने उनसे कहा कि वो आपके पीछे ही खड़ी है और आपको गुस्से से देख रही है। मेरी मॉम फिर से सुन पड़ गई। तभी मेरे पापा घर आ गए। मेरी मॉम ने बताया कि उस रात पापा के लिए दरवाजा खोलने से जस्ट पहले उन्होंने अपनी गर्दन पर एक बहुत ही ठंडी हवा महसूस की थी। उस दिन के बाद से मुझे वो काली औरत अक्सर दिखती रही है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।